हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असलम इलेक्ट्रीशियन। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक बल्ब को तीनों जगह से ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तीन टू ए स्विच लिया है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन को करते हैं। तो इसके लिए मैंने छोटा छोटा करके वायर को काट के रखा है। तो कनेक्शन शुरू करते हैं। ये जो पहला वाला जो टू ए स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर इस वायर को हम लगा देंगे। और ये जो दूसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे इस वायर को लगा देंगे। और एक ठो वायर लिया है, इसको भी हम ये पहला वाला जो टू ए स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। और ये जो वायर है, इस एंड को हम ये दूसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ये तीसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये एक ठो वायर लिया है, ये जो दूसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर ये वायर को लगाएंगे। और ये जो तीसरा वाला जो स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे इस वायर को लगा देंगे। और ये एक ठो लास्ट वायर है, इसको भी हम ये जो दूसरा वाला जो टर्मिनल है, ये दूसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। और ये वाला जो वायर है, इसको हम ये जो तीसरा वाला जो टू ए स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। ये हमने और एक ठो ग्रीन कलर का वायर लिया है, इस वायर को हम ये एक नंबर टू ए स्विच और दो नंबर टू ए स्विच की जो बीच वाला जो टर्मिनल है, उस पर लगा देंगे। तो देखिए, हमारा ये तीनों स्विच का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, अब इसमें हम होल्डर को लगाते हैं। ये मैंने एक होल्डर ले लिया है, और ये जो रेड वाला जो वायर है, इसको हम ये जो तीसरा वाला जो टू ए स्विच का बीच वाला जो टर्मिनल है, वहाँ पे लगा देंगे। और ये हमारा हो गया है मेन नेगेटिव। अब चलिए, इसमें हम मेन पॉजिटिव को जोड़ देते हैं। तो मेन लाइन के लिए मैंने ये दोनों वायर लिया है, एक रेड और एक ब्लैक। ये रेड वाले वायर जो है, इसको हम ये जो पहले वाला जो टू ए स्विच है, उसके बीच वाले टर्मिनल पे इसको लगा देंगे, इस पॉजिटिव वायर को लगा देंगे। और ये जो होल्डर का जो नेगेटिव वायर है, और ये जो मेन नेगेटिव है, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। तो चलिए, अब
ये हम स्विच को टेस्ट करते हैं। और इस होल्डर में हमने एक बल्ब भी लगा दिया है। तो चलिए अब इस स्विच को हम टेस्ट करते हैं। तीनों स्विच का कनेक्शन एक बल्ब के साथ कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।